देखो छोटे मियाँ, ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो लोग तो खुशी मना रहे हैं। किस बात की खुशी? तुम समझे नहीं? नहीं। वो लोग तुमसे छुटकारा पाकर बहुत खुश हैं। ये झूठ है, मैं ये सब नहीं मानता। ओह छोटे मियाँ, काश ये सब मुझे नहीं कहना पड़ता, क्योंकि ये सुनकर तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जरा उधर देखो। क्या देखूं? यहाँ ऊपर आकर देख लो। तुम्हारे जाते ही उन्होंने ये तस्वीर निकाल दी। जॉर्ज की माँ ने कहा, छी अब कौन इस बदसूरत चूहे का मुंह देखना चाहेगा। मम्मी ने ऐसा कहा? हाँ। और जॉर्ज? उन्होंने उसे तस्वीर दी और उसने फाड़ दी। सचमुच? हाँ, मैं तुम्हें तस्वीर के टुकड़े दिखा था, पर जॉर्ज की माँ ने सब जला दिए। मैंने तुम्हें समझाया था स्टुअर्ट, मैंने कहा था चूहे पालतू नहीं बन सकते। मुझे समझना चाहिए था कि सपने कभी सच नहीं होते। अब तुम क्या करोगे? मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल से मैं यहाँ से चले जाओगे। अच्छा ख्याल है, मैं उन लोगों से कह दूंगा कि तुम मिलने आए थे, हालांकि उन्हें ये जानकर खुशी नहीं होगी। शायद हम कभी नहीं मिलेंगे। खुश रहो मेरे यार, तुम्हारी बहुत याद आएगी। क्या तो इसका दिल टूट जाएगा। ए स्नो, अब उनके भाई लोगों ने स्टुअर्ट को बगीचे में देखा। स्मोकी ने तुझे बुलाया है? अरे नहीं मॉन्टी, मैं रात में नहीं निकलता, मुझे बहुत डर लगता है। वैसे भी स्टुअर्ट तो अब चला गया, अब मरे हुए को भी क्या मारना, छोड़ दो ना उसे। क्यों नहीं यार, छोड़ेंगे ना, पर पहले जरा उसके बाजू तोड़ेंगे, फिर उसकी टांगे तोड़ेंगे और फिर जाकर उसे छोड़ेंगे, पर पहले जरा उसे ढूंढ तो ले। चल ना यार, चल। अरे अरे, ऐसी भी क्या जल्दी है यार, तेरी शादी में थोड़े जा रहे हैं। चलो आओ, जल्दी चलो, लगता है हम उसके करीब हैं। मुझे उसकी बू आ रही है। स्मोकी भाई, वो बू मेरे बदन से आ रही है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि रात के अंधेरे में बगीचे में नहीं टहलते? मेरी माँ के डर से ही कोई अंधेरे में यहाँ टहलने नहीं आता था। हाँ स्मोकी, इन्हें बताओ तो वो कौन थी? अपने जमाने की दादा थी, दादी थी, लेकिन बाद में वो सुधर गई थी। अगर मुझे दिल का दौरा पड़ा तो कोई दिल का डॉक्टर है क्या यहाँ? यहाँ तो हर तरफ चूहे के पैरों के निशाने। बीड़ो, हम लोग उसे कैसे ढूंढेंगे? ऐसा करते हैं, सब अलग अलग होकर उसे ढूंढते हैं। क्या दिमाग है, इसीलिए तो हम लोगों ने इसे अपना भाई बनाया। तुम लोग ढूंढते रहो, मैं अब और दौड़ नहीं सकता। स्टुअर्ट, क्या हो तुम? हो तुम वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? अब तो यही मेरा घर है। देखो स्टुअर्ट, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, ये बगीचा बड़ा भयानक है, यहाँ चारों तरफ अंधेरा है, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। अबे स्नोबे, वो देखो तुम्हारा दोस्त मॉन्टी, वो यहाँ क्या कर रहा है? वो तुम्हारी आवाज सुन लेगा। सुन लेगा तो क्या होगा? अबे स्नोबेल, चिरकुट तू वहाँ ऊपर क्या कर रहा है? मर गए, उसको पता चल गया। ए, कहीं तूने उस चूहे के बच्चे को ढूंढ डाला क्या? ए, सुनो भाई लोग, ए इधर आओ, ए देखो स्नोबेल ने उस चूहे को ढूंढ लिया। तू भी क्या याद करेगा पालतू बिल्ले, जब इसकी चीर फाड़ करेंगे ना तो सबसे बड़ा हिस्सा तेरा होगा। बड़ा हिस्सा? स्नोबेल आखिर ये सब क्या कह रहे हैं, तुम इन्हें जानते हो? नहीं कुछ खास जानता नहीं, बस यूं ही कभी कभी मछली मार्केट में मिलता। क्या बात है, अब किस बात का इंतजार है? अबे चलना यार, साले को नीचे ला, बहुत भूख लगी है। अरे यार, ये तो पीछे ही पड़ गए हैं, माफ करना छोटे मियां। स्नोबेल क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। स्नोबेल यार इधर बैठ, मैं उसे कैच कर लूंगा, देख मेरा मुंह खुला है। तो तुम इन्हें जानते हो? जल्दी बैठना, देख मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अबे घुमा फिरा क्या रहा है? अबे किधर चला पालतू? वो बांटना नहीं चाहता, अकेला खाना चाहता है। पकड़ो उसे, भाग रहा है, भागने न पाए। अरे पकड़ो उसे, छोड़ना नहीं। पकड़ो जल्दी, रुको, संभल कर, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चल, अरे पेड़ की डाल पकड़। पकड़ रहा हूँ ना यार, चिल्ला क्यों रहा है? अरे मेरी पूछ क्यों पकड़ रहा है? स्नोबेल, आज तुमने मुझे बचाया। अब हाँ ठीक है ठीक है, देखो एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो, मैं ये सब कुछ अपने मालिक के लिए कर रहा हूँ, समझे? वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, जॉर्ज तुम्हें चाहता है, तुम्हारे बगैर वो सब बहुत उदास हैं। पर स्नोबेल, तुमने तो कहा था। जानता हूँ मैंने क्या कहा था, मैंने झूठ बोला बस। खुश
क्योंकि मैं तुमसे जलता था और मैं तुमसे अब भी नफरत करता हूँ। नहीं स्नोबेल, तुम्हें तो मेरी फिक्र है। हाँ ठीक है ठीक है, बहुत हो गया बहुत हो गया, चलो अब बस भी करो। स्नो, वो तेरे पैर क्यों पकड़ रहा है? ए बेरी मात बहन, उसे छोड़ना मत। हाँ आखिर ये सब हो क्या रहा है? हाँ देखो भाई, तुम चाहे मुझे गद्दार कहो या धोखेबाज, पर अब मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता। ठीक है वापस जाओ, अब देर हो चुकी है। अरे अरे देखो भाई लोग, तुम शांति से जरा मेरी बात तो सुनो। जानते हो तुम इस छोटे मियाँ को करीब से जानोगे ना तो वो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, और पता है उसकी अपनी कार है। जबान संभाल पालतू बिल्ले, तू अपनी मौत बुला रहा है। अब बांगड़ू क्या कर रहा है, छोड़ना, एक चूहा ही तो है साला। ये सिर्फ एक चूहा नहीं है, ये एक सदस्य है हमारे परिवार का। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी शक्लें भी बहुत मिलती जुलती है। आप लोग ऐसा सोचते हैं, परिवार का हिस्सा होने के लिए शक्लें मिलना जरूरी नहीं। शक्लें एक हो जाने से परिवार नहीं बनता, और ये जरूरी नहीं कि आप एक दूसरे को पसंद भी करें। स्नोबेल को देखिए, वो मुझसे नफरत करता है फिर भी मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं जानता हूँ आप उसे इसकी सजा देंगे, हो सकता है आप उसे मार भी डालें, पर स्नोबेल यहाँ से नहीं भागेगा, और इसे कहते हैं परिवार का एक हिस्सा होना, समझे? क्यों स्नो? भाई परिवार वरिवार या लावारिस क्या समझेंगे? दोनों को खत्म करो। दोनों को? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, आओ मुझको पकड़ो। मैं क्या साले? पकड़ो उसे, छोड़ना नहीं। कहाँ गया साला, फिर से पानी में तो नहीं गिर गया? पता नहीं पानी में गिरने की आवाज तो आई थी। अबे तुम लोगों ने देखा अहिला कैसे गायब हुआ? ए, वो देखो बोरा, ये किधर? वहाँ ऊपर। अबे ये तो बहुत ऊपर है, उधर पहुँचेंगे कैसे? पहुँच नहीं सकते तो घर चले जाइए, थोड़ा आराम कीजिए। तैयार हो जाओ दोस्तों, खाना नीचे आ रहा है। शाबाश मोगी भाई, आने दे आने दे। अब तो गया, आज तेरा छुआ कबाब बनाऊंगा, आज पार्टी होगी रे। बस जरा और, आने दे भाई आने दे भाई आने दे, बस जरा और नीचे आने दे। आ गया, आजा मुन्ना, अब तू मेरा है। ये अरे उत्तर की, अबे ये डाली तो। यार मोंटी, ये किसकी तैयारी हो रही है? स्नो तू यहाँ मत आना, ये डाली टूट रही है। क्यों छोटे, तुम ठीक कहो ना? हाँ नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। तुम वहीं रुको, अब मैं इनसे निपटता हूँ। हाँ निपटता बोले तो? ओए ओए ए, ए क्या स्नो भाई, तू अपुन के साथ ऐसा नहीं कर सकता। अपुन तेरा जिगरी दोस्त है यार। घबराओ नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हें वहाँ गिराऊंगा। नहीं जहाँ देख आगे से मैं तेरे घर खाना मांगने कभी नहीं आऊंगा। मुझे चलना नहीं आता। तू मेरी पीठ पर पैर क्यों रख रहा है? तू डूब सको तो तैरते का सहारा ना रहे। ऊपर वाला करे सुबह तक स्नो के सारे बाल झड़ जाए, पेट पे कीड़े पड़े, उसे दूध कभी हजम ना हो। दोस्त दोस्त नारा, अरे यार यार नारा, बरसों पुरानी दोस्ती पे पानी फेर दिया। अबे गद्दार कितनी मोहब्बत थी मुझे तुझसे, कहाँ गए? अबे रुको बे सिरकुटो। देखा इन्हें कैसे पानी पिला दिया छोटे, अब कोई खतरा नहीं। शाबाश नोबेल, तुमने तो कमाल किया। वैसे ऊपर से ये सीन देखने में काफी मजा आया होगा ना स्नोबेल? वो सब खुद को कुछ ज्यादा ही बहादुर समझते थे, मैंने उन सब की छुट्टी कर दी। आखिर अब पालतू बिल्ले भी कुछ कम नहीं। छुट्टी तो अब मैं तेरी करूंगा। तेरा किस्सा खलास क्यों छमिया? स्मोकी दादा, वो छमिया नहीं है, वो है स्नोबेल। पानी कितना ठंडा है, जल्दी बाहर निकल वरना मर जाएगा। यकीन नहीं होता, आज एक चूहे और पालतू बिल्ले ने मुझे हरा दिया, इससे बदतर और क्या हो सकता है? थोड़ी सी नरमी थोड़ी सी गर्मी, थोड़ा सा नरम थोड़ा सा गर्म। चलो घर चलते हैं।